उस प्ले में जाके आप बड़े आराम से उस लेक्चर को देख सकते हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो ठीक है जी और समझ भी सकते हो और लर्न भी कर सकते हो बट अभी जिन्होंने कर लिया है वो मेरे साथ साथ रिवाइज करो जो पहली बार कर रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करो कोई चीज नहीं समझ में आए तो डिटेल्ड लेक्चर देख लेना वो भी बनाया हुआ है ठीक है तो आइए जल्दी से जाके कॉमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दीजिए दिस इज डे फोर चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं सर चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस सर बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है बेटा जी जितना भी पैसा बिजनेस करने के लिए चाहिए उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं एज एज सिंपल दैट बिना बिना पैसे के के बिजनेस बिजनेस तो नहीं होता है कैपिटल तो नहीं होता है पैसा लगाएंगे तो ही पैसा कमाएंगे तो पैसा जो भी चाहिए बिजनेस चलाने के लिए उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं सर बिजनेस फाइनेंस कितने प्रकार का होता है तो बेटा जी हमारे पास दो प्रकार का बिजनेस फाइनेंस होता है एक होता है फिक्स कैपिटल एक होता है वर्किंग कैपिटल ठीक है जो बिजनेस स्टार्ट करते हुए शुरू में ही पैसा चाहिए लैंड खरीदने के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए बिल्डिंग खरीदने के लिए मतलब फिक्स कैपिटल उसको बोलते हैं जो फिक्स एसेट्स के लिए चाहिए बड़ी अमाउंट में चाहिए छोटी अमाउंट नहीं होती काफी बड़ी अमाउंट में चाहिए और काफी लंबे समय तक बिजनेस में लगा रहेगा उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं उसके बाद डेली मेंटेनेंस के लिए बिजनेस के रोज रोज के खर्चे सैलरी देनी है इन्वेंट्री का कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है इस तरीके की चीजें इस कैपिटल को जो हम बोलते हैं वो है वर्किंग कैपिटल ये तो आप कमाते रहो लगाते रहो कमाते रहो लगाते रहो इसकी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है लेकिन ये शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाता है फटाफट से इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो दो प्रकार की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इसी को हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं फिक्स कैपिटल बच्चों डिपेंड करता है आपके नेचर पे स्केल पे ग्रोथ पे टेक्नोलॉजी पे आपका किस तरीके का बिजनेस है क्या आप मैन्युफैक्चर हो तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए ट्रेडर हो यानी खरीद के बस बेचते हो तो थोड़ा बहुत चाहिए स्केल स्मॉल स्केल पे करोगे तो कम चाहिए लार्ज स्केल पे करोगे तो ज़्यादा चाहिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अगर आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रही है ज्यादा चाहिए ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं है कम चाहिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो जो बार बार अपग्रेड होती है तो ज्यादा चाहिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है तो कम चाहिए है ना तो बहुत सारे फैक्टर्स पे फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है देन वी हैव वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस को पैसा चाहिए जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं जैसे स्टॉक के लिए बीआर के लिए सैलरी वेजेस टैक्सेस रेंट के लिए है ना अब वर्किंग कैपिटल भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो ये है कि आपका स्केल कैसा है यानी स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो किस तरीके का बिजनेस है नेचर पे डिपेंड करता है टर्न कितना है उस पर डिपेंड करता है सीजनल रिक्वायरमेंट सीजनल प्रोडक्ट बेचते हो तो भैया उस हिसाब से आपको उसको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा इन्वेंट्री भी करना पड़ेगा तो खर्चा ज़्यादा होगा है ना रेगुलर प्रोडक्ट है तो आएगा बिकेगा जाएगा आएगा बिकेगा जाएगा तो उसके लिए नॉर्मल वर्किंग कैपिटल चाहिए तो इस तरीके के फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो वर्किंग कैपिटल में आपको पता होने चाहिए अब आता है बच्चों सोर्सेज ऑफ फंड्स। देखो बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए अब पैसा कहाँ से लाऊं सर मैं? क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों सोर्सेज के लिए सबसे पहला सोर्स होता है टाइम पीरियड कि आपने जो पैसा चाहिए आपको वो किस बेसिस पे चाहिए कितने समय के लिए चाहिए सबसे पहले तो तो समय में हम बोलते हैं बच्चों कुछ फंड्स होते हैं शॉर्ट टर्म कुछ होते हैं मीडियम टर्म कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर तो यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा चाहिए एक से पाँच साल के लिए तो यू कैन गो फॉर मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और अगर आपको लगता है कि आपको पैसा चाहिए पांच साल से भी ज्यादा लंबे समय के लिए तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस ठीक है तो मोर देन फाइव ईयर लॉन्ग टर्म एक से पांच मीडियम एक से कम शॉर्ट टर्म ये तो हो गया टाइम के बेसिस पे उसके बाद होते हैं बच्चों ओनरशिप के बेसिस पे अगर आप पैसा रेज कर रहे हो और आप सामने वाले को मालिक बना रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑनर्स फंड शेयर्स इशू करे जैसे शेयर्स में क्या होता है जो आपका शेयर खरीदता है वो मालिक बनता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी याद आ गया है ना तो वो कौन होते हैं ऑनर्स फंड्स होते हैं और अगर मैं आपसे सिर्फ लोन ले रहा हूँ बोरो कर रहा हूँ और आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं एक महीने बाद दो महीने बाद वापस कर दूंगा तो ऐसे फंड्स को हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड्स राइट तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप तो पी ओ जी जी का मतलब क्या होता है जनरेशन अगर फंड्स बच्चों बिजनेस के अंदर अंदर से जनरेट हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस इसके अंदर भी वही शेयर्स आते हैं और रिटेन अर्निंग सेविंग आ जाती हैं और अगर फंड्स बिजनेस के बाहर से आप ले रहे हो बैंक लोन ले रहे हो डिंचर्स इशू कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं तो ऑनर्स फंड लोन वोन लिया तो बोरोड फंड टाइम बेसिस पे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म ठीक है अब बात करते हैं सर ऑनर्स फंड्स कौन से होते हैं ऑनर्स फंड्स होते हैं बच्चों जो पैसा लगाता है बोरोड फंड्स होते हैं जो लोन और से आपने लिए फंड्स बिजनेस में लगे रहते हैं लंबे समय के लिए बोरोड फंड आपने बोरो करा है और कुछ टाइम के बाद आपको वापस करना है ठीक है फंड्स पे आपको क्या मिलता है जो ऑनर्स होते हैं उनको क्या मिलता है सर डिविडेंड मिलता है याद रखना जितने भी ऑनर्स फंड वाली चीजें हैं उन सबको डिविडेंड मिलता है डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट है राइट और जो भी बोरोड फंड वाले हैं उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है उनका पैसा वापस करेंगे और फिक्स ब्याज देंगे ओके ऑनर्स फंड्स में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए बोरोड फंड में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी अगर आप नहीं चुका पाओगे तो फिर आपकी संपत्ति बिकेगी है ना तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ऑनर्स फंड्स में अब सर ऑनर्स फंड्स होते कौन कौन से हैं क्या क्या चीजें होती हैं तो देखो लिखा हुआ ऑनर्स फंड्स वो फंड्स हैं जो एक एंटरप्राइज में लगे हैं ठीक है और इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि भैया मालिक पैसा लगा रहा है जैसे सोल ट्रेडर है तो भैया वो खुद लगाएगा पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स मिलकर लगाएंगे कंपनी है तो शेयर होल्डर्स लगाएंगे है ना इसके अंदर बेसिकली एक तो ये होता है कि मालिक का लगा हुआ पैसा उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं उसके साथ जो आपने पैसा कमाया था और अभी सेव करके रखा हुआ है वो भी तो आप ही का पैसा है आपने पैसा कमाया और उसको वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया तो तो वो भी तो आप ही का पैसा है तो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट भी इसी का पार्ट होते हैं फंड्स बच्चों बिजनेस में लगे रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और उनको रिफंड नहीं करना पड़ता कंपनी के लिए ऑनर्स फंड्स के बेस्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिटेन अर्निंग सर ये क्या होते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अर्निंग्स इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके okay. चलो भाई सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड में सबसे पहले आ गए इक्विटी शेयर सर इक्विटी शेयर होंगे क्या देखो मुझे पैसे की जरूरत है मैं कंपनी हूं मैं आपको बोलूंगा कि मैं पैसे रेज कर रहा हूं रेज करने का मतलब है कि मैं पब्लिक को बोलूंगा क्या आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो क्योंकि दो तरीके होते हैं एक इंसान अमीर बन सकता है या तो भैया वो बिजनेस बना ले या तो बिजनेस तुम खुद बना लो भाई तुम बिजनेस बड़ा कर सकते हो तो करो अगर तुम्हारे में कैलिबर नहीं है इतना बड़ा बिजनेस चलाने का तो तुम एक ऐसे बिजनेस में पैसा डाल दो जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है अब सर बिजनेस में पैसा कैसे डाले उसके शेयर खरीद लो उसका हिस्सा खरीद लो तो कंपनी क्या करती है अपने शेयर सेल आउट करती है पब्लिक को इसका मतलब आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हो सपोज एक कंपनी एक करोड़ की है और आप उस कंपनी का दस हिस्सा खरीदना चाहते हो तो आप दस लाख रुपये लेके जाओ वहां पे लगाओ और 10 लाख रुपए का हिस्सा आपका अब कंपनी अगर दस करोड़ रुपए कमाएगी आपका टेन परसेंट है ना तो दस करोड़ का टेन परसेंट एक करोड़ आपको मिलेगा क्योंकि आप ही तो टेन परसेंट के शेयर होल्डर हो तो शेयर्स क्या होते हैं जिसमें आप कंपनी में ऑनरशिप बाय करते हो है ना और कंपनी को पैसा मिल जाता है कंपनी के लिए वो एक ऑनर्स फंड होता है जो इंसान वो शेयर खरीद रहा है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं अब शेयर्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो देखो क्या लिखा हुआ है इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ अक्ट टू द क्रिएशन ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ती ही है इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी ओनर्स बनोगे दस द कैपिटल रेज इज नोन एज ओनर्स फंड ओनर्स या ओनर्स कैपिटल बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता स किसको मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अभी दिखाऊंगा बट तो तो जितना पैसा लगाया है उतने के लिए ही आप लाइबल हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं बच्चों ध्यान रखना इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास सर प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं जो कैपिटल आपने रेज करिए इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कैपिटल आपने रेज करी है बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता था सोचो सोचो मैंने डिटेल में पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में वो शेयर्स होते हैं जिनको दो जगह प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस का मतलब पहल मिलती है सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स मिलता है सर डिविडेंड का मतलब जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट को बांटेगी ना मालिक में तो इनका तो फिक्स होता है ठीक है आगे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब कंपनी कैपिटल का रीपेमेंट कर रही होगी तो पहले पेमेंट इनका होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो तरीके के प्रेफरेंस होते हैं ओवर एंड अब इक्विटी शेयर नंबर वन सबसे पहले डिविडेंड इनको फिक्स मिलता है नंबर टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले इन्हीं का होता है बट इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग ठीक हो गया बेटा जी दूसरा हो जाता है हमारे पास प्रेफरेंस में चल रहा है ये सब तीसरा होता है हमारे पास रिटेन अर्निंग्स सर रिटेन अर्निंग्स किसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं बच्चों सेविंग्स को अब देखो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा रही है तो जनरली कुछ पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में बांट देते हैं और कुछ पोर्शन अपने पास बचा लेते हैं जब आपके पेरेंट्स पैसा कमाते हैं तो सारा पैसा घर में नहीं लाते खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ वो अपने पास सेविंग करके रखते हैं फ्यूचर के लिए इसी तरीके से जब एक कंपनी भी पैसा कमाती है तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है भाई कंपनी की अपनी इज्जत है कंपनी भी सारा पैसा खर्च नहीं करती बच्चों कंपनी भी कुछ हिस्सा बचा के रखती है फ्यूचर यूज के लिए उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स देखो लिखा हुआ है कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग्स में बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर इसी को रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं इसका दूसरा नाम बच्चों इंटरनल फाइनेंसिंग बोल सकते हो सेल्फ फाइनेंसिंग बोल सकते हो प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोल सकते हो ठीक है परफेक्ट है जी तो ये होते थे बच्चों हमारे पास ऑनर्स फंड्स मैंने आपको सारे के सारे ऑनर्स फंड्स रिवाइज करा दिए मेनली तीन है इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स ठीक है इनके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं या आप ये बोल लो कि मेरिट्स और लिमिटेशंस भी होती हैं जब आप आपको इनको किताब से पढ़ोगे है ना तो उसमें नीचे ही आपको हेडिंग्स हेडिंग्स दिए हुए होंगे तीन तीन मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको साथ साथ पढ़ने हैं और लर्न करने हैं जब मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं ये अभी लेक्चर कराया था एक महीना पहले ही पढ़ाया था मैंने पूरा चैप्टर तो उसमें मैंने डिटेल में आपको एक एक मेरिट और डी समझाया हुआ है तो आपको कोई ना समझ में आए तो उस वीडियो पे जाके चेक कर लेना ओके चलो भाई अब आ जाते हैं सर हम लोग बोरोड फंड्स पे सर बोरोड फंड्स क्या होते हैं बोरोड फंड्स होते हैं बेटा जी जो मैं आपसे बोरो कर रहा हूँ मैं आपको मालिक नहीं बनाऊंगा इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ भैया मैं आपसे लोन ले रहा हूँ और मैं आपको पाँच साल बाद वापस कर दूंगा या सात साल बाद वापस कर दूंगा तो ऐसे फंड्स को क्या बोलेंगे बोरोड फंड्स क्या बोला जाता है बोरोड फंड्स बोला जाता है बच्चों अब सर बोरोड फंड्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं तो सबसे पहले ये समझो बोरोड फंड्स पे जितने भी लोग आएंगे वो सब हमारी कंपनी में एज अ क्रेडिटर आएंगे क्रेडिटर मतलब कि मैंने आपसे पैसा लिया है मुझे आपका पैसा देना है दूसरी चीज कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे इनके तीसरी चीज इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है इनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है

शेयर्स में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा लेकिन पैसा वापस कब मिलेगा जब कंपनी बंद होगी है ना उसके बाद डिविडेंड आपको तभी मिलेगा अगर कंपनी प्रॉफिट पे है प्रॉफिट पे नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप हमें लोन दे दो लोन दोगे तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा लेकिन आपको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है हमारे हम कितना बनाते हैं कितना नहीं बनाते दूसरी चीज आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे इसके अंदर है ना तो इसको हम डिवेंचर्स बोलते हैं डिवेंचर्स आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल डेट कैपिटल का मतलब कर्जा अ कंपनी कैन बोरो लॉन्ग टर्म फंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और स्पेसिफाइड इंटरवल में पे करना होता है जैसे एक साल में या साल में दो बार द डिचर इशूड बाई कंपनी का मतलब वादा होता है दैट कंपनी हैज बोरोड अटेन अमाउंट ऑफ मनी विच इट प्रोमिस टू पे एट अ फ्यूचर डेट डिवेंचर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स बोलते हैं सर का भी हो गया बैंक। क्या हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं हाँ वेरी सिंपल आप चाहो तो कमर्शियल बैंक से भी जाके लोन ले सकते हो सर कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों दो प्रकार के कमर्शियल बैंक होते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं कुछ पब्लिक सेक्टर होते हैं प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं जैसे आपका एच डी एफ सी हो गया आई हो गया और पब्लिक सेक्टर जैसे पी एन बी एस बी आई है ना जिन भी बैंक से पब्लिक डील करती है उनको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं तो बोरोड फंड एक ये भी ऑप्शन होता है कि हम बैंक से जाके भी लोन ले सकते हैं तो यहाँ क्या लिखा है बैंक ऑल्सो एक्सटेंड लोन्स टू द फर्म्स ऑफ ऑल द साइज एंड इन मेनी वे जैसे कैश क्रेडिट हो गया ओवर ड्राफ्ट हो गया टर्म लोन हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई द बैंक डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या पॉलिसी चल रही है कंपनी किस तरीके की है कितने टाइप के लिए लोन ले रही है कौन सा लोन ले रही है ये सब चीजें बहुत मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं द इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी बैंक के पास तभी बैंक लोन देगा और क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म ठीक है जी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कई बार बच्चों बैंक से लोन नहीं मिल रहा होता तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके हैं भाई देखो ये गवर्नमेंट के भी होते हैं और ये नॉन गवर्नमेंट भी होते हैं बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता दूसरी बात कई बार बैंक से आपको इतना लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिल रहा होता शॉर्ट टर्म मिल, मिल रहा होता है तो लॉन्ग टर्म ये प्रोवाइड कर देते हैं तो देखो क्या लिखा है द गवर्मेंट है नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म एज दीज इंस्टीट्यूशन एम टू प्रोवाइडिंग द इंटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक यूजली ये लोग इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं बिजनेस मैन को पैसा देते हैं इसीलिए इनको डेवलपमेंटल बैंक्स भी बोला जाता है या डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है दिस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज सुटेबल वेन लार्ज फंड लॉन्गर ड्यूरेशन आर रिक्वायर्ड अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए और बड़े समय के लिए चाहिए तो आप कॉमर्शियल बैंक के पास मत जाओ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओ ठीक है जी इसके बाद आता है बच्चों पब्लिक डिपॉजिट्स सर व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स अब कई बार जनता के पास पैसा होता है जनता उस पैसे को कहां रखना चाहती है बैंक में बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है पांच परसेंट छः परसेंट सात परसेंट तो जनता के पास एक ऑप्शन ये होता है कि रादर देन कीपिंग द डिपॉजिट इन बैंक द पब्लिक कैन कीप द डिपॉजिट विद सम कंपनीज वो किसी कंपनी में ये पैसा रख सकती हैं मतलब कंपनी आपको बोलेगी आपको बैंक में जमा करना है ना आप हमें लोन दे दो यार है ना अब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो बहुत सारा पेपर वर्क होगा फॉर्मेलिटी होगा उस सब से बच के हम क्या करेंगे हम एक तरीके का लोन ही ले रहे हैं लेकिन इसको डिबेंचर नहीं बोलेंगे इसको क्या बोल देंगे पब्लिक डिपॉजिट बोल देंगे कि भैया पब्लिक ने तो हमारे पास पैसा डिपॉजिट करा है और इसके बदले में हम आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट देंगे जो बैंक से अच्छा होगा

डिपॉजिटर गेट हाइयर इंटरेस्ट रेट्स द कॉस्ट ऑफ डिपोजिट टू इज़ लेस ठीक है नेक्स्ट होता है बच्चों ट्रेड क्रेडिट सर वॉट इज ट्रेड क्रेडिट ये सिंपल है जब एक ट्रेडर एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को उधार पे माल देता है तो उसको क्या बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट बहुत चलता है ये तो जब एक होलसेलर रिटेलर को उधार पे माल बेचता है, है ना उससे बी आर बी पी साइन कराता है बिल्स रिसीवे बी आर किसके लिए है जो माल बेच रहा है बीपी किसके लिए है जिसने सामान खरीदा है उसको तो पेमेंट ही करना है तो क्या लिखा है बच्चों ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर बस यहां ध्यान रखना दोनों व्यापारी होते हैं दोनों बिजनेसमैन होते हैं ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ सप्लाई विदाउट इमीडिएट पेमेंट इससे मेनली क्या होता है कि आप गुड्स खरीद सकते हो और इमीडिएट पेमेंट भी नहीं करना सच क्रेडिट अपियर इन द रिक्ड ऑफ बायर एज संड्री क्रेडिटर्स अब बायर अपनी बुक्स में क्या दिखाता है इस उधार को संड्री क्रेडिटर्स के नाम से कि मुझे पैसा देना है द क्रेडिट इज कॉमनली यूज बिजनेस एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है और सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को मिलता है जिनकी गुडविल और फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी होती है ठीक है जी तो ये बच्चों आपके पास ट्रेड क्रेडिट आपने पूरा रिवाइज कर लिया पब्लिक डिपॉजिट्स आपने रिवाइज कर लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक रिवाइज कर लिया डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स रिवाइज कर लिया इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स इंटर कारपोरेट डिपॉजिट क्या होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है ठीक है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मेड बाय अ कंपनी विद अनदर कंपनी आईसीडी मार्केट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट ऑफ लार्ज कारपोरेट्स मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास कुछ एक्सेस कैश है अब कैश को बैंक में रखेंगे तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा वहीं किसी ऐसी कंपनी को दे देंगे जिसको पैसे की जरूरत है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी मिल सकता है तो यहाँ पे क्या होता है देखो दीज डिपॉजिट्स आर डिट्सिड बाई दर कंपनी टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म फंड पैसा बोरो कर लो दूसरी कंपनी से द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज हायर देन दैट ऑफ हाइयर है ना बैंक से ज्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट या तो फिक्स हो सकते हैं या फ्लोटिंग हो सकते हैं फ्लोटिंग का मतलब कम ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द कंपनी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस इन द इकोनॉमी राइट तो इसको हम बोलते हैं इंटर कार्पोरेट डिपॉजिट तो ये था बच्चों हमारे पास सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैंने आपको पूरा ही चैप्टर रिवाइज कराया है सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं बस आपको सिंपली क्या करना है इन सोर्सेज के मेरिट्स और डी मेरिट्स खुद साथ साथ पढ़ते चलने हैं क्योंकि देखो जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तुम कितना ही पढ़ लो कितना ही रिविजन कर लो मार्क्स नहीं आएंगे है ना ये सीरीज बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ यही है कि बच्चों का रिविजन होता चले राइट क्योंकि रिवीजन के बिना चीजें नहीं होती तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हें एग्जाम से पहले तुम्हें देखा और क्विक रिवीजन हो गया तो ये सीरीज तुम्हें बहुत हेल्प करेगी प्लेलिस्ट में बनाता चल रहा हूं पूरी प्लेलिस्ट में चैप्टर का नाम है चैप्टर दे दिया मैंने तुम जाके बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हो राइट तो आज के लिए बच्चों बिजनेस स्टडीज में इतना ही कल हम लोग एक और बी का चैप्टर रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर भी हो गया हमारा एट नाइन टेन इलेवन हो गया तो कल होगा चैप्टर नंबर इसी तरीके से हर दिन एक चैप्टर रिवाइज करते चले जाएंगे और मात्र दस ग्यारह दिन में आपका पूरा बी एस टी रिवाइज पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज अकाउंट्स में भी काफी हद तक हो जाएगा तो इसी तरीके से पढ़ते चलना मेहनत करते चलना और मैं आपको पूरा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से विद वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट नोट्स करा दूंगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून टिल टन सिया टेक केयर बाय बाय